सुधरी हुई स्थिति में है। 2014 के पहले की जितनी भी परेशानियां थी, जितनी भी चुनौतियां थी, हमने एक एक करके उनके समाधान के रास्ते तलाशे हैं। हमने एनपीएस की समस्या को एड्रेस किया, बैंकों को रिकैपिटलाइज किया, उनकी ताकत को बढ़ाया, हम आईबीसी जैसे रिफॉर्म्स लाए, अनेक कानूनों में सुधार किए, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल को सशक्त किया। कोरोना काल में देश में एक डेडिकेटेड स्ट्रेस एसेट मैनेजमेंट वर्टिकल का गठन भी किया गया। इन्हीं फैसलों से आज बैंकों की रिजोल्यूशन और रिकवरी बेहतर हो रही है, बैंकों की स्थिति मजबूत हो रही है, और एक इनहेरेंट स्ट्रेंथ उसके भीतर पाई जा रही है। सरकार ने जिस पारदर्शिता और प्रतिबद्धता के साथ काम किया है, उसका एक प्रतिबिंब बैंकों को वापस मिली राशि भी है। हमारे देश में जब बैंकों से कोई उठा के भाग जाता है तो चर्चा बहुत होती है, लेकिन कोई दम वाली सरकार वापस लाती है तो इस देश में कोई चर्चा नहीं करता है। पहले की सरकारों के समय जो लाखों करोड़ रुपए फंसाए गए थे, उनमें से 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की रिकवरी की जा चुकी है। हो सकता है आप उस लेवल के लोग बैठे हैं, आपको 5 लाख करोड़ बहुत बड़ा नहीं लगता होगा। क्योंकि जिस प्रकार से एक सोच बनी हुई थी, यहां बैठे हुए उन लोगों की नहीं होगी ऐसा मुझे पूरा पक्का विश्वास है, लेकिन ये सोच बनी हुई थी, बैंक हमारी ही है, बैंक में जो है वो भी हमारा ही है, वहां रहे या मेरे यहां रहे क्या फर्क पड़ता है। और जो चाहा वो मांगा, जो मांगा वो मिला, और बाद में पता नहीं था कि 2014 में देश निर्णय कुछ और कर देगा। सारी स्थितियां साफ हो गई है साथियों। जो ये पैसे वापस लेने वाला हमारी कोशिश है, नीतियों का भी आधार लिया है, कानून का भी आधार लिया है, डिप्लोमेटिक चैनल का भी उपयोग किया है, और मैसेज भी बहुत साफ है कि यही एक रास्ता है, लौट आइए। और ये प्रक्रिया आज भी चल रही है। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, इसके गठन से और 30,000 करोड़ रुपए से अधिक की सरकारी गारंटी से भी लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के स्ट्रेस एसेट आने वाले समय में रिजॉल्व होने का अनुमान है। हम सभी ये भी देख रहे हैं कि पब्लिक सेक्टर बैंकों के कंसोलिडेशन से पूरे बैंकिंग सेक्टर की एफिकेसी बढ़ी है, और मार्केट से फंडरेज करने में भी बैंकों को मदद मिल रही है। साथियों, ये जितने भी कदम उठाए गए हैं, जितने भी रिफॉर्म्स किए गए हैं, इससे आज बैंकों के पास
एक विशाल और मजबूत कैपिटल बेस बना है। आज बैंकों के पास अच्छी खासी लिक्विडिटी है। एनपीएस की प्रोविजनिंग का बैकलॉग नहीं है। पब्लिक सेक्टर बैंकों के एनपीए आज 5 सालों में सबसे कम है ही। कोरोना काल के बावजूद इस फाइनेंशियल ईयर के पहले हाफ में हमारे बैंकों की मजबूती ने सबका ध्यान खींचा है। इस वजह से अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज भी भारत के बैंकिंग सेक्टर का आउटलुक अपग्रेड कर रही है। साथियों, आज भारत के बैंकों की ताकत इतनी बढ़ चुकी है कि वो देश की इकोनॉमी को नई ऊर्जा देने में, एक बड़ा पुश देने में, भारत को आत्मनिर्भर बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। मैं इस फेज को भारत के बैंकिंग सेक्टर का एक बड़ा माइलस्टोन मानता हूं। लेकिन आपने देखा होगा, माइलस्टोन एक तरह से हमारी आगे की यात्रा का सूचक भी होता है। मैं इस फेज को भारत के बैंकों के एक नए स्टार्टिंग पॉइंट के रूप में भी देख रहा हूं। आपके लिए ये देश में वेल्थ क्रिएटर्स और जॉब क्रिएटर्स को सपोर्ट करने का समय है। जो अभी आरबीआई गवर्नर ने जॉब क्रिएशन की चर्चा की, मैं समझता हूं ये समय है। आज समय की मांग है कि अब भारत के बैंक अपनी बैलेंस शीट के साथ साथ देश की बैलेंस शीट को बढ़ाने के लिए भी प्रोएक्टिव होकर काम करें। कस्टमर आपके पास आपकी ब्रांच में आए, ये इंतजार मत कीजिए। आपके कस्टमर की, कंपनी की, एमएसएमईज की जरूरतों को एनालाइज करके उनके पास जाना होगा, उनके लिए कस्टमाइज सॉल्यूशन देने होंगे। जैसे मैं उदाहरण देता हूं कि उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके में और तमिलनाडु में 2 डिफेंस कॉरिडोर बने। अब सरकार तेजी से वहां काम कर रही है। क्या उस कॉरिडोर के आसपास जुड़ी हुई जितनी बैंक ब्रांचेज है, क्या कभी उनको आपने बुलाया, उनसे मीटिंग की कि भाई डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, मतलब एक पूरा डिफेंस का नया सेक्टर यहां आ रहा है, बैंक प्रोएक्टिवली क्या कर सकती है, डिफेंस कॉरिडोर आने से ये चीज आने की संभावना है, कौन कौन कैप्टन्स हैं जो इसमें आएंगे, कौन छोटे चेन होंगे, एमएसएमईज होंगे जो इसकी सपोर्ट सिस्टम में आएंगे, इसके लिए हमारा बैंक का अप्रोच क्या होगा, प्रोएक्टिव अप्रोच क्या होगा, हमारी अलग अलग बैंकों के बीच में कंपटीशन कैसे होगी, द बेस्ट सर्विसेज कौन देता है। तब तो जाकर के भारत सरकार ने जिस डिफेंस कॉरिडोर की कल्पना की है उसको धरती पर उतारने में विलंब नहीं लगेगा। लेकिन ठीक है भाई, सरकार ने डिफेंस कॉरिडोर बनाया है, लेकिन मेरा तो उसी पर ध्यान है। क्यों? और 20 साल से हमारा एक वेल सेटल्ड क्लाइंट है, चल रही है गाड़ी, बैंक भी चल रही है, उसका भी चल रहा है, हो गया। तो इससे होने वाला नहीं है।
साथियों, आप अप्रूवर हैं और आपने सामने वाला एप्लीकेंट है, आप दाता है और सामने वाला याचक, इस भावना को छोड़कर अब बैंकों को पार्टनरशिप का मॉडल अपनाना होगा। जैसे अब बैंक ब्रांच के स्तर पर ये लक्ष्य तय किया जा सकता है कि वो अपने क्षेत्र के 10 नए युवाओं या 10 लघु उद्यमियों के साथ मिलकर उनका व्यापार बढ़ाने में मदद करेगी। मैं जब स्कूल में पढ़ता था उस जमाने में बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था और उस समय मुझे बराबर याद है साल में कम से कम 2 बार बैंक के लोग हमारे स्कूल में आते थे, स्कूल में। और बैंक में खाता क्यों खोलना चाहिए, छोटे छोटे बच्चों को गल्ला दे करके उसमें पैसा क्यों बचाना चाहिए, ये समझाते थे, क्योंकि तब वो सरकारीकरण नहीं हुआ था। तब आपको लगता था कि ये मेरी बैंक है, मुझे इसकी चिंता करनी है। एक कंपटीशन भी थी और बैंकिंग एंड फाइनेंशियल वर्ल्ड का बैंकिंग सेक्टर की आम सामान्य मानवीय को एक ट्रेनिंग भी जरूरी थी। सभी बैंकों ने काम किया है, राष्ट्रीयकरण होने के बाद शायद मिजाज बदला है, लेकिन 2014 में बैंक की इस शक्ति को मैंने पहचान करके जब उनको आह्वान किया कि मुझे जनधन अकाउंट का मूवमेंट खड़ा करना है, मुझे गरीब की झोपड़ी तक जाकर के उसको बैंक खाते खुलवाने हैं, जब मैं मेरे अफसरों से बात कर रहा था तो बहुत विश्वास का माहौल नहीं बनता था, आशंकाएं रहती थी कि यार ये कैसे होगा। तो मैं कहता था भाई, एक जमाना था कि बैंक के लोग स्कूल में आते थे, तय तो करो, इतना बड़ा देश और सिर्फ 40% लोग बैंक से जुड़े हो, 60% बाहर हो, ऐसा कैसे हो सकता है। खैर, बात चल पड़ी और यही बैंकिंग सेक्टर के लोग, राष्ट्रीयकरण हो चुकी बैंकों के लोग, जो बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ ही बैठने की आदत बन चुके थे, वो लोग जब देश के सामने एक लक्ष्य रखा कि हमें जनधन अकाउंट खोलना है, मैं आज गर्व के साथ सभी बैंकों का उल्लेख करना चाहूंगा, सभी बैंकों के हर छोटे मोटे मुलाजिम का उल्लेख करना चाहूंगा जिन्होंने इस सपने को साकार किया और जनधन अकाउंट फाइनेंशियल इंक्लूजन की दुनिया में दुनिया के सामने एक बेहतरीन उदाहरण बन गया। यह आप ही के तो पुरुषार्थ से हुआ है। और मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री जनधन जो मिशन निकला वो बीज बोया था तो 2014 में, लेकिन आज इस कठिन से कठिन कालखंड में दुनिया डगमगाई, भारत का गरीब टिका रहा क्योंकि जनधन अकाउंट की ताकत थी। जिन जिन बैंक के कर्मचारियों ने जनधन अकाउंट खोलने के लिए मेहनत की है, गरीब की झोपड़ी में जाता था बैंक का बाबू, कोट पैंट टाई पहने हुए व्यक्ति गरीब के घर के सामने खड़े रहते थे, उस समय तो शायद लगा होगा सरकार का एक कार्यक्रम, लेकिन मैं कहता हूं कि जिन्होंने इस काम को किया है, इस पैंडेमिक के कालखंड में जो गरीब भूखा नहीं सोया है, उसका पुण्य उन बैंक के लोगों के खाते में जाता है। कोई काम, कोई पुरुषार्थ कभी भी बेकार नहीं जाता है जी। एक सच्ची सोच के साथ, सत्य निष्ठा से किया हुआ काम, एक कालखंड आता है जब परिणाम देता है
और जनधन अकाउंट कितना बड़ा परिणाम देता है हम देख रहे हैं। और हमें इकोनॉमी ऐसी नहीं बनानी है कि ऊपर इतनी मजबूत हो, इतनी मजबूत हो, उसकी मजबूती का बोझ इतना हो कि नीचे सब कुछ दब जाए। हमें बैंकिंग व्यवस्था नीचे भी गरीब से गरीब तक उतनी मजबूती देनी है ताकि ऊपर जाती हुई इकोनॉमी जब ऊपर भी बड़ा बल्क बनेगा तो दोनों का सामर्थ्य से भारत पुष्ट होगा। और मैं मानता हूं कि हमने उसी एक सोच के साथ करना था। अब कल्पना कर सकते हैं कि जब स्थानीय व्यापारियों को लाल मातीतली कुश्ती म्हणजे